एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आज है सैटरडे मॉर्निंग. मैंने सोचा बहुत दिन से फुल ब्लॉग नहीं बनाया, तो आज बनाते हैं. सुबह सुबह चाय रखी है, मैक्रोनी बन रही है और सुबह का काम चल रहा है. सिंपल सा, एकदम सिंपल सा बटर में प्याज और हरी मिर्च को फ्राई कर दिया है और इसमें बाकी सारी चीज़ें डाल देंगे. ये बन गई हमारी गर्मा गर्म मैक्रोनी. हाय एवरीवन, अभी ऑलमोस्ट दोपहर होने वाली है, शायद 12 बजने वाले हैं. अब मैं जा रही हूँ अपने दूसरे घर, मम्मी के घर से. वहाँ पर साफ़ सफ़ाई करानी है. कल प्रीतम वापस आ रहा है पुणे से, तो पौधों को पानी दे देती हूँ, सफाई करा देती हूँ. संजू तो नहीं आती संडे को. और आज तो मेरा बहुत बड़ा ह्यूमन रेवोल्यूशन कर रही हूँ मैं. दो दिन पहले गाड़ी चलाते हुए मुझे ज़ोर से चक्कर आ गया था, तो उसका फियर थोड़ा सा दिमाग में घूम रहा है कि गाड़ी चलाऊंगी चक्कर आ जाएगा. लेकिन डर के आगे जीत है, तो चलते हैं धीरे धीरे, फिर मिलते हैं घर पे. ये तकिए और रखे हमारी गंदी हालत में, इसको मैं लाई हूँ दोबारा से बनवाने. देखो, मैं टैटू पार्लर में आई हूँ और मेरा ये टैटू बन रहा है. गाइस, मैम ने हमें प्रेप नहीं करने दिया. अब वो भी करके दिखाऊंगी. क्या वो भी करोगे? वेरिस्टे फॉर्म, शेविंग क्रीम लाना पड़ेगा. अनन्या मेरा टैटू बना रही है. एक शी इज माय टैटू आर्टिस्ट फॉर द डे. क्या बनेगा, लेट्स सी. आपकी वेन्स इतनी है मैम आपकी. अब तुम्हें वेन से भी तकलीफ है मेरी. Oh no. You are making me तो ऐसे खराब टैटू आर्टिस्ट बनेगी ना, पहला स्ट्रोक मारते ही. Oh no. आप मेरे को वो कर रहे हो. किसी को तो क्या बनाना होगा, तुम क्या बना के दे दोगी? कॉन्शियस मत करो, कवर अप टैटू कर दूंगी. अभी तो बना भी नहीं है, कवर अप की बातें हो रही है. इससे तो बढ़िया. अरे पहली कक्षा में बना देती थी ड्राइंग. क्या कर रहे हो दीदी? आपकी शैडो है, आपके प्रेशर. ये देखो, फोन पास में नहीं होना चाहिए. देखिए, बोलो मत. ये लो, टैटू आर्टिस्ट के पास से लोग जा जा के क्या क्या कहानियां सुनाते हैं, पूरा अपना रिकॉर्डिंग करते हैं वीडियोस. और तुम बोलो कि बोलो मत. इट्स डिस्ट्रैक्टिंग. ओह नो. भाई लोगों, आप बताओ, ये इसकी शक्ल और जो ओरिजिनल पिक्चर है, इसकी शक्ल क्या मिल रही है? अभी कंप्लीट हुआ है. ट्रस्ट द प्रोसेस. ट्रस्ट द प्रोसेस. और बीच बीच में ओ नो हो रहा है. ट्रस्ट द प्रोसेस. दोस्तों, मेरे टैटू का फाइनल रिवील. दिखा दो शकल. दिस इज माय फाइनल टैटू. उल्टा करके देख लेना. प्लीज कॉन्टेक्ट अनन्या फॉर मोर सच वीडियोस. वाओ, अपने मुंह में आ बिठो. एक मिनट, आप रुको गाइस. नहीं, प्लीज बताना क्या ये दोनों बहुत सिमिलर है. ट्विन है. बहुत एक जैसे ही लग रहे हैं. इसका फोटो भी क्लिक करना लोना जरा. हां, ये आइडेंटिकल है क्या? बहुत ज्यादा. सी गाइस, हमने एक मीनिंगफुल टैटू बनाया है. प्योरिटी तो नहीं है दीदी में. हो गया. आर यू मैम? मैम, व्हाट आर योर मैम रिव्यूज फॉर आर्ट? तो मैम मिलेगा -10 रुपए. मैम एनी टिप्स? मैम अगली बार से प्लीज अपने रिश्तेदार भी नहीं लाइएगा अगर आपको टिप्स नहीं देनी है. दिस टैटू डज नॉट. मैम देखने मतलब बंद ही नहीं कर पा रही देखना, फिर बोल रही है टिप नहीं दूंगी. जोमेटो भाई आ गया भाई. ओके. नानी हमारी मलिक व्लॉग से देखती रहती है. ये है हमारा आज का डिनर. ये आ गया है चिली गार्लिक नूडल, वेज मोमोस और चिली पोटैटो. खाओ खाओ खाओ. मम्मा
भैया मम्मी खाओ खाओ। ठीक है यहाँ पर प्रमोशन नहीं हो रहा है किसी भी चीज का। हाँ प्रमोशन नहीं है चलो अपनी शादी में अच्छी साड़ी पहन ली ना मैंने मेरी दादी ने भी पहन ली I think this is much better. ये वाला shade. I don't think this is good. हाँ. Hello everyone. So आज है next day morning और मैं बनाने की सोच रही हूँ थोड़ा सा पोहा. तो अभी बन रहा है पोहा और यहाँ मैंने तेल चढ़ा दिया है, थोड़ा घी डाला है मैंने. अनन्या जस्ट अभी अभी गई है रात को. ये देखो हम ये क्या क्या कर रहे थे, हम ब्यूटी पार्लर खेल रहे थे. क्या लगा, कुछ लग गया? बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं. थोड़ा सा मूंगफली डाला, इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी. फ्राई करके अलग से निकाल दूँगी. ये मैं घी में बना रही हूँ. हमने रिफाइंड ऑयल यहाँ मम्मी के घर में खाना एकदम बंद कर दिया. हमारे यहाँ भी या तो घी है या तो सरसों का तेल ज़्यादातर, नहीं तो कभी कभार मे भी हल्का सा रिफाइंड तो ना के बराबर कर दिया है. यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है और प्याज को हल्का हल्का भून रही हूँ. और ये मूंगफली फ्राई करके ऑलरेडी निकाल दिया है यहाँ. अभी मैं बनाने वाली हूँ चाय. चाय मैंने रखी है बनाने के लिए और आज
ब्रेकफास्ट में बना था पोहा और पोहे के साथ खाएंगे चाय। और ये मैंने कर दिया गरम पोहा। मम्मी ने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर लिया था पहले। मम्मी की चाय रेडी, लेके आती हूँ। मम्मी, ये मेरा पोहा रेडी है, ये लेके चलते हैं और मेरी चाय। अभी मैं करने बैठी हूँ ब्रेकफास्ट, सारा काम निपट गया है। ये हो रहे हैं ऑलमोस्ट 10:05 बजे हो रहा है ब्रेकफास्ट स्टार्ट। ये रहा मेरा पोहा, ये कुछ फ्रूट्स मम्मी ने कट करके रखे हैं और चाय। और ये मम्मी खा लिया खाना। मम्मी चाय पी लो, ठंडी हो रही है, पी लो। ये मम्मी की चाय भी रखी है। मम्मी ने बोला तरबूज और आ गया खरबूज है, धोखा दे दिया मम्मी। तरबूज बोला था आपने, कहा है? एक तरबूज और आ गया ना। और मैं वेट कर रही थी तरबूज का। नहीं अब मीठा ये दिवाली में लगाया था, इतने महीने हो गए, अब इस साल की दिवाली के आने का टाइम होगा तो नया लगाएंगे। इसको मैं निकाल रही हूँ, आधा आधा निकल गया था ये, मैंने सोचा इसको आज पूरा ही निकाल देते हैं। हो गया है मेरा सामान तैयार जाने के लिए, उठाऊंगी कैसे इसको सबको। थोड़ा सा फ्रूटी और जलजीरा लिया है, हमारे यहाँ पर गार्ड भैया बैठते हैं बहुत गर्मी में, मैंने सोचा उन सबको ये ठंडा ठंडा देकर आती हूँ। आगे सब बैठे होते हैं यहाँ पर। ये मैंने बहुत सारे तड़का छाछ लिए हैं, यहाँ पर बहुत सारे भैया लोग हैं, इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं
तो मैं सोच रही हूँ सबको देकर आती हूँ। प्रीतम आने वाला घर ऑलमोस्ट, उसकी फ्लाइट लैंड हो गई। उसने कहा उसके लिए पानी निकालो, उसमें आइस डाल दो। मैं सच में आइस डाल रही हूँ, उसे ठंडे पानी से नहाना है। ये कल कपड़े धो के गई थी जो मैं सारे निकाले, अब इनको तय मारती हूँ। जस्ट अभी अभी ये ऑर्डर आया सैलेड डेज से। मैंने, प्रीतम घर आ रहा है ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के बाद, मैंने ऑर्डर किया था। पता चला प्रीतम ने भी कुछ ऑर्डर कर दिया, ही सेड 3 पैकेट्स आएंगे, तो पता नहीं और कितना खाना आ जाने वाला है। ओह शिट, मैं यहाँ बहुत दिन से नहीं थी क्योंकि प्रीतम गया था पुणे, तो आज ये पूरा आरओ का पानी निकाल के फ्रेश भर रही हूँ, क्योंकि 10-12 दिन पुराना बासी पानी है। पर ये पानी वेस्ट ना हो इसलिए मैं इसको ऐसे बकेट्स में भर रही हूँ, ताकि इसको या तो पोछा में यूज़ हो जाएगा या फिर प्लांट्स के लिए यूज़ हो जाएगा वाटर करने के लिए। ये इतना सारा, आई थिंक पता नहीं ये चीज़ केक लग रहा है, ब्लूबेरी चीज़ केक, और ये शायद कॉफ़ी फ्लेवर है कोई। फिर एक नया ऑर्डर आ गया, बहुत सारे पानी। ये सारे पान के बॉक्सेस हैं, इतने सारे, सी हियर, सी हियर, इतने सारे पान। ये देखो ये कितने सारे पान ऑर्डर किए हैं प्रीतम ने। हम जाएंगे घर पर लेके जाऊँगा।
और वही रोड ट्रिप करके ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ में और मज़ा नहीं आएगा वरना। यू डोंट ड्राइव योर सेल्फ, एकदम सी, यहाँ सी और दिस इज द रोड विद द सी, देखना वीडियोज। नमस्ते भैया, वन फाइव टू एट।